14 जून विश्व रक्तदाता दिवस पर जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने किया। रक्तदान शिविर में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन और सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह ने रक्तदान किया। इस दौरान CMO मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राजकुमार गुप्ता भी मौजूद रहे। विश्व रक्तदाता दिवस पर करीब 50 लोगों ने रक्तदान किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ब्लड बैंक प्रभारी SK यादव ने बताया। आप सभी विदित हैं कि प्रतिवर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है और उनको धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जिला चिकित्सालय के रक्त कोष में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन जिलाधिकारी महोदय ने किया, साथ में मुख्य अधिकारी गोरखपुर और प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय गोरखपुर उपस्थित रहे। इसमें एक संगोष्ठी का भी कार्यक्रम किया गया, जिसमें रक्त से क्या फायदे हैं उसको बताया गया। संगोष्ठी में जिलाधिकारी महोदय द्वारा व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया और अब तक करीबन 30 के लगभग रक्तदान हो चुके हैं और अभी पंजीकरण हो रहा है। उम्मीद है कि 50 के ऊपर ये रक्तदान होगा।